हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो आज मैं आपको फिर से नेक्स्ट डे के लिए इंट्राडे कॉल्स देने वाला हूं इस वीडियो में। तो देखेंगे वो नेक्स्ट कॉल हमारे जो कल ट्रेड करने वाले हो आप लोग उस स्टॉक्स पे, तो वो वेडनेसडे का दिन रहेगा और जो डेट रहेगी वो रहेगी हमारी 12 सेप्टेम्बर की। तो अगर किसी को मेरे साथ इंट्राडे में लाइव मार्केट में काम करना है तो वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है दिए गए नंबर पर, और मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकता है। अगर उसको कॉल चाहिए तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ चैट कर बात कर सकते हैं और लाइव मार्केट में कॉल्स लेकर काम कर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। या फिर आपको ये जो कॉल दिए जा रहे हैं इनमें लेबल पर आप वर्क कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। वो तो मैं आपको जो व्यूज़ हैं मेरे वो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मुझे समझ में आता है कि कहाँ से लेबल बन रहे हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि व्यूज ज्यादा मिले, ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और सभी मिलकर प्रॉफिट कमा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो स्टॉक्स जिसमें हमें नेक्स्ट डे में काम करना है। और ये देखिए, सबसे पहला जो कॉल है हमारा वो इन्फोसिस का है। इन्फोसिस में आज बताया जा रहा था कि काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिलेगी, बट मार्केट प्रेशर जो रहा है, मार्केट प्रेशर का असर इस पर भी देखने को मिला है और ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली है, बट इसने लेवल ब्रेक करने के बाद टारगेट जरूर दिया है और फिर मार्केट का जो प्रेशर है उसका प्रेशर इधर पर दिखाई दिया है कि निफ्टी 50 का टॉप स्टॉक्स में से आते हैं इसलिए इस पर भी असर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो मैंने इधर पर लेवल जो बनाए हैं, जो इधर पर लाइन ड्रॉ की है, तो हमें यहीं से इसमें पोजीशन बनाकर चलनी है। बाय और सेल मैंने आपको यहाँ पर दोनों ही पोजीशन दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट का जो रुझान है उसे देखकर हमें दोनों साइड से ही अपनी पोजीशन लेकर चलनी पड़ेगी। और जहां पर भी हमें सबसे पहले पोजीशन जिसके पास भी पॉइंट दिखाई देते हैं तो वहां से अगर बाय के पास आपको लेवल दिखाई देता है तो बाय करके चलिए, और अगर सेल के पास आपको पोजीशन दिखाई देती है तो सेल करके चलिए। जैसे कि आज के मार्केट में हुआ है कि मार्केट जो है पॉजिटिव ओपन हुआ है और जो बाय का कॉल दिए थे वो भी एग्जीक्यूट होकर टारगेट लिए हैं, और जब मार्केट में प्रेशर दिखा है तो जो सेल के लेवल दिए थे तो वो सेल के लेवल पे एग्जीक्यूट करके नीचे के भी टारगेट दिए हैं। तो कल के मार्केट के लिए भी आप रेडी रहिएगा क्योंकि निफ्टी में पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है, नेगेटिव भी, दोनों बीच में अटका हुआ है वो, या जो क्लोजिंग प्राइस है अगर वो उसके ऊपर वो रहता है मार्केट में तो फिर उसमें एक दो दिन के लिए और पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अगर वो उसने लेवल नीचे का तोड़ दिया तो फिर वो माइनस में चला जाएगा। और इन्फोसिस में हम बाय करके चलेंगे 747.50 से, टारगेट रहेगा हमारा 755 का ही टारगेट लेकर चलिए इसमें, और जो स्टॉप लॉस रहेगा 740 का, और जो हमारा सेल का प्राइस रहेगा 723 का, और जो टारगेट रहेगा हमारा 715.75 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा 730.20 का। अगर आपको ये स्क्रीन अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है तो अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की, या फिर मैं पॉइंट्स तो मैं आपको बताता ही रहता हूं, अगर आप खराब क्वालिटी में देख रहे हैं तो आपको पॉइंट समझ में आ ही जाते हैं। तो और जो हमारा सेकंड कॉल है यहां पर टाइटन कंपनी का, तो टाइटन कंपनी आप देख रहे हैं निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक यही था आज का, क्योंकि टाइटन में आप देख रहे हैं कि प्रेशर आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, सेलर बहुत जबरदस्त में देखने को मिले हैं क्योंकि यहां पर गैप ओपनिंग के बाद इसने 3 लेवल का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक लेवल के अंदर, इस कैंडल के अंदर एक कैंडल और इसके अंदर हल्की सी एक कैंडल देखने को मिल रही है, इसकी वजह से यहाँ पर गैप डाउन देखने को भी मिला है। गैप डाउन देखने के बाद आज के दिन इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, तो हम इसमें भी बाय और सेल दोनों का ही सिग्नल दूंगा मैं ताकि आप मार्केट में फंसे ना, आप प्रॉफिट लेकर ही निकले, इसलिए मैं दोनों साइड से ही लेवल देकर चलता हूं। और यहां पर हमारा जो बाय का कॉल बन रहा है वो 846 से बन रहा है, जो टारगेट है हमारा 854.45 का, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 837.50 का, और जो हम सेल की पोजीशन बनाकर चलेंगे 815.50 से, और जो हमारा टारगेट रहेगा 807.35 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 823.70 का। तो यहाँ पर आपने दो कॉल देख लिए हैं और टाइटन पर जरूर नजर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर और बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, बट इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी जो आज देखने को मिली है, बट 1% का टारगेट आपको आराम से वहां पर मिल जाएगा लेवल एग्जीक्यूट करते ही। और जो हमारा थर्ड कॉल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारा ITC लिमिटेड का, तो ITC में आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर मैंने ट्रेड लाइन बहुत पहले ड्रॉ की थी कुछ दिन पहले, तो इस लाइन को इसने ये देखी यहाँ पर गैप इस लाइन के नीचे, यहाँ पर एक कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पर सेलिंग का कॉल बन चुका था और इस लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, और अब यहाँ पर इसने इस लेवल को भी टच कर लिया है।
जो पिछली कैंडल का जो पिछली वहां पर कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इसका जो लो था इसी लो पर आकर आज भी ये रुका है, तो यहां पर एक लेवल क्रिएट हो चुका है। तो इस लेवल से हम शॉर्ट कर चलेंगे और हमें इसमें सिर्फ, बट मैंने यहां पर आपको एक बाय का कॉल भी दिया है, यहां पर आपको लाइन नहीं दिखाई दे रही होगी, बट मैंने बाय का कॉल यहां पर दिया है आपको, यहां पर लाइन मैं नहीं दिखा पाया हूं आपको, तो उसके लिए छोड़िए। यहां पर बाय का मिलने पॉइंट्स लिख दिए हैं, बट आप सेल पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा और बाइक पर भी ध्यान देगा, सभी पर आपको ध्यान देने के चलना पड़ेगा कि मार्केट ऐसा चल रहा है कि हमें दोनों साइड ही देखकर चलना पड़ेगा। जो भी पोजीशन आपको पास में दिखाई दे वहां से पोजीशन बनाइए, और यहां पर हम बाय करके चलेंगे 299.80 से, टारगेट हमारा रहेगा 302.80 का, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 296.80 का, और हमारा जो सेल का पोजीशन है वो रहेगी हमारी 295.30 से, स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट हमारा रहेगा 292.35 का, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 298.30 का। और इसके बाद हम फोर्थ कॉल देखते हैं, तो फोर्थ कॉल में आपको दिखाई दे रहा होगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में बहुत ज़्यादा बढ़त दिखने के बाद अब यहाँ पर मुनाफा वसूली देखी गई है, और आज के दिन बहुत ही शानदार मुनाफा वसूली रही है, इसमें सेल का कॉल भी काफ़ी ज़्यादा चला है, और यहाँ पर इसने एक बॉक्स भी क्रिएट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो अपर लाइन दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो आपको लो लाइन दिखाई दे रही है इनको छोड़िए, बीच में जो आपको लाइन रेड और ग्रीन दिखाई दे रही है तो इन पर हमको पोजीशन बनाकर चलनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बाय और सेल दोनों का ही कॉल दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर हम बाय करके चलेंगे 757 से, टारगेट हमारा रहेगा 764.55 का, और जो एसएल रहेगा हमारा 749.40 का, और जो हमारा सेल की पोजीशन रहेगी वो 739 से, और जो टारगेट रहेगा 731.60 का, और जो एसएल रहेगा हमारा 746.40 का। और अब हम अपना फिफ्थ कॉल देख लेते हैं, तो हीरो मोटोकॉर्प्स, हीरो मोटोकॉर्प्स में बड़ा देखी जानी चाहिए थी इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, ये ऊपर का जो हाई है, इस पॉइंट का जो हाई है इसे ब्रेक नहीं कर पाया ये, और फिर यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है, और ये कल की भी लाइन है जहाँ से मैंने आपको सेल करने के लिए दिया था, और इस लेवल को इसने ब्रेक करने के बाद यहाँ पर डाउन गया है। अब इसी लाइन से मैंने बाय का कॉल दिया है और उसके लो से आपको सेल का कॉल मिल रहा है, क्योंकि ये जो लाइन ड्रॉ की है ये देखिए इसके लो और किसी के हाई को टच कर रही है ये बस, तो यहीं से आपको सेल की शॉर्ट पोजीशन मिल रही है, तो यहाँ से हम शॉर्ट करके चलेंगे और हम यहाँ से बाय करके चलेंगे 3168 से, हमारा टारगेट रहेगा 3199 का, और हमारा जो वो स्टॉप लॉस है वो 3136 का रहेगा, और जो हम शॉर्ट करेंगे तो 3259 से हम इसको शॉर्ट करेंगे, और जो टारगेट रहेगा 3226.40 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा 3292 का। और अब हम अपना सिक्स्थ कॉल देख लेते हैं, सिक्स्थ कॉल आपको दिखाई दे रहा होगा टाटा स्टील का, मेटल कंपनीज का ये स्टॉक जिसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है ये इस रिवर्सल आने के बाद, ये जो पॉइंट बना लेता है ना इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद, एक छोटी सी अगर पॉइंट मिल जाए और इसकी शेडो ऊपर से इसके लेवल को क्रॉस करके ऊपर का पॉइंट बना देती है, तो यहाँ से निश्चित ही वो वहाँ पर एक डाउनफॉल देखने को मिलता है काफ़ी बड़ा वो भी। और यहाँ पर भी मैंने एक लाइन खींच कर रखी है बाय की, और फिर यहाँ पर आपको एक सेल की पोजीशन दिखाई दे रही है, तो दोनों में आपको लेबल मिल जाएंगे इसमें भी, और यहाँ पर आपको बाय करके चलना है 601.50 से, आपका टारगेट रहेगा 607.50 का, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 595.5 का, और जो सेल की पोजीशन हम बनाकर चलेंगे इसमें वो बना के चलेंगे हम 588.50 से, टारगेट हमारा रहेगा 582.60 का, और जो एसएल रहेगा हमारा 594.40 का। और अब हम देखेंगे तो भारतीय एयरटेल, आपको यहाँ पर जो सेवन कॉल दिखाई दे रहा है भारतीय एयरटेल का, तो भारतीय एयरटेल में भी आपको बहुत शानदार इधर पर गिरावट देखने को मिली, जैसा कि मैंने आपको पिछले कॉल्स में बायोकॉन और टॉरेंट फार्मा में यहाँ पर दिखाया था, सेम टू सेम वैसे ही कैंडल आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर दोनों में ही आज टारगेट अचीव हुए थे जो ये सेम पोजीशन मिली थी, और यहाँ पर हम फिर से शॉर्ट करके चलेंगे, और यहाँ पर एक बाय का भी कॉल दे रहा हूँ मैं साथ में आपको, तो हम बाय करके चलेंगे 382 से, टारगेट रहेगा हमारा 385.80 का, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 378.20 का, और जो सेल शॉर्ट करके हम मार्केट में चलेंगे वो चलेंगे हम 377.2 से, टारगेट हमारा रहेगा 373.40 का, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 381 का, जिसको फ्यूचर मार्केट में करना है तो फ्यूचर मार्केट में भी वो पोजीशन लेकर चल सकता है, उस फ्यूचर मार्केट में जो उसका लोअर हाई होगा वहां से वो आप चेक कर लीजिए और वहां से आप पोजीशन बनाकर चल सकते हो।
तो नेक्स्ट कॉल है हमारा यस बैंक का। तो यस बैंक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बाय के लिए बोला था, नीचे सेल के लिए बोला था, बट ये भी बताया था कि इसके अंदर भी ये कॉल रह सकता है, क्योंकि जब भी इस तरह की गिरावट आने के बाद एक डोजी बनता है बीच में। अगर नीचे गैप डाउन करके बनता है तो फिर यहाँ पर बढ़त देखी जाती है, और अगर बीच में बनता है तो फिर ये कॉल इसी के अंदर रहता है। ये भी मैंने आपको बताया था, और सेम टू सेम वैसा ही देखने को मिला है मार्केट में। टीवी पर तो बताया जा रहा था कि यस बैंक बाय करें और ये भी बाय करें वो भी बाय करें, बट मेरे को मालूम है कहाँ पर टेक्निकल चार्ट के थ्रू कि कहाँ पर क्या पोजीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर बाय जो बन रहा है, तो बाय और सेल हम सेम नहीं लेकर चलेंगे, हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। इसके लो से हम बाय करके चलेंगे, और जो आजकल लो है उसके नीचे से हम सेल शॉर्ट करके चलेंगे मार्केट में। तो यहाँ से हम बाय करेंगे 322 रुपये से, यानी कि 322 से, और टारगेट रहेगा हमारा 325.20 का, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 318.80 का। SL हमारा रहेगा 300, सॉरी शॉर्ट की जो पोजीशन रहेगी वो 314.50 से, टारगेट हमारा रहेगा 311.35 का, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 317.60 का। अब देख रहे हैं आप हिंदाल्को, जैसा कि मेटल मैंने वहां पर भी लिया था और यहाँ पर भी ले रहा हूँ मैं, तो हिंदाल्को में भी आपको यहाँ पर शॉर्ट करके ही चलना है, क्योंकि ये इसने बॉक्स का जो यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा था इसका लेवल इसने ब्रेक कर दिया, बट कैंडल नीचे बंद नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों साइड के इसमें भी पोजिशन देकर चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बाय और सेल दोनों ही देखा जा सकता है। और अगर कल इसका ये जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे से हम इसमें करेंगे, इसके लो से नहीं, हमें इसके क्लोजिंग प्राइस इस लाइन को भी टच कर रहा है और इस पॉइंट को भी टच कर चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, आपको पोजीशन देखने को मिल सकती है शॉर्ट में। तो हम इसे बाय करके चलेंगे यहाँ से 234.50 से, टारगेट हमारा रहेगा 236.85 का, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो रहेगा 232.20 का, और जब शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे 331.10 से, टारगेट हमारा रहेगा 327.75 का, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 334.40 का। और जो अब हमारा लास्ट कॉल है कोल इंडिया का, तो कोल इंडिया में मैंने आपको पहले भी कॉल्स दिए हैं और बहुत ही शानदार चले भी हैं वो मार्केट के अंदर, जब मैंने यहाँ रिवर्सल में आपको बाय का कॉल दिया था इस लेवल से, तो इसने लेवल ब्रेक कर बहुत ज़्यादा चला भी था ये। और अब यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है वो बाय और सेल दोनों तरफ से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कन्फ्यूज़न में जो कॉल है वो इसके बीच में भी रह सकता है, और इसको लेवल दोनों ही साइड दिए हैं, अगर लेवल ब्रेक करता है तो टारगेट भी अचीव कर लेगा। तो हम ऐसे बाय कर चलेंगे 286.20 से, जो टारगेट रहेगा 289.06 यानी कि 05 का, और स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं 283.30 का, और जो शॉर्ट की पोजीशन हम बनाएंगे तो 278.40 से हमारा टारगेट रहेगा 275.60 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा SL रहेगा 281.20 का। तो चलिए गाइस, गुड लक फॉर द नेक्स्ट डे ट्रेडिंग। और यहाँ पर मैं आपको पूरे कॉल्स दे चुका हूँ 10, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो @MultiBagger आप उसमें सर्च करेंगे तो फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, और आप पर्सनली लाइव मार्केट में सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ ट्रेड करने के लिए वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और इस वीडियो यानी कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अपडेशन टाइम पर मिलती रहे और आप मार्केट में प्रॉफिट कमाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।